नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश से, मारपीट में घायल की उपचार के दौरान मौत, भाई पर लगाया गया आरोप। खबर सतना जिले के रामनगर थाना क्षेत्र से है, जहां एक युवक को घायल अवस्था में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने भाई पर ही मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल 9 दिसंबर को विपिन दहिया अपने भाई सुखलाल दहिया के साथ घर से निकला था और दोनों ने मिलकर शराब का नशा किया। लौटते समय बगीचे में विपिन दहिया और सुखलाल के बीच मारपीट हुई, जिसमें सुखलाल घायल हो गया था, जिसे घायल अवस्था में घर लाया गया। वहीं विपिन ने अपनी भाभी के साथ भी मारपीट किया और उपचार के लिए अस्पताल ले जाने से रोक दिया और घायल की पत्नी के साथ भी गाली गलौज किया। सुबह घायल को उपचार के लिए रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सा संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया था। आपको बता दें, मृतक के भाई ने बताया कि मृतक शाहपुरा का निवासी है, जिसके साथ घटना घटी है। रिश्ते में उसका भाई लगता है और भाई ने मारपीट कर मौत के घाट उतारा है और अब फरारी काट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहानी बताई जा रही है, वह गले नहीं उतर रही है। पूरे मामले की गहराई से जांच करने पर ही मामले का खुलासा हो पाएगा। आइए सुनाते हैं परिजनों ने क्या आरोप लगाए हैं। क्या घटना हुई है? ये शाम को 9 बजे, 9 तारीख को, 9 तारीख का विपिन दहिया आया, बड़े भाई को सुखलाल दहिया को बहला फुसला कर ले गया। उधर दारू वारू पिलाया, जब चम हो गए तो गांव न पहुँचे के पहले एक बगीचा पड़ता है, तो बगीचा में ले आया, मारपीट किया। इसके बाद वही ऑटो में बैठा लाद करके ले गया घर। घर के सामने खड़ा किया, दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा आवाज़ लगाने के बाद नहीं खुला दरवाज़ा। भौजाई हमारा ही तरह तरह के दारू पी के आ गए, उपद्रव करी, दरवाज़ा नहीं खोली। एक के बाद दरवाज़ा पत्थर से तोड़ा गया, दरवाज़ा जब टूट गया था अंदर का, भौजाई हम पड़ी रही, लेटी रही, गला पकड़ी, कढ़े लीस, मारी पीट करी, गाली गलौज की गंदी गंदी। एक ही बार ब्लाउज पकड़ी खींची, कहीं के हम सोहू को निपोड़ देव। एक ही बार ले आए के बेहोशी हालत में पौढ़ाए के चला गया। बीच से रोड ही वो पार ओखर घर, या पार हमारे भाई के घर। रात भर रहे आए हम, कब भौजाई हमका खबर देने वाली रही, लेकिन रोक दी इसके नहीं जा जरूरत। हमारा 2 किलोमीटर पहले घर है, हमारा सगौनी में घर है, उनका सलपुरा में। ये सुबह भा हमका खबर मिली तो हमारे न पहुँचे के पहले विपिन दहिया ले गया हॉस्पिटल, रामनगर हॉस्पिटल में वहाँ दवाई चालू करी। देखे बाद हमका जानकारी है तक गए तो हॉस्पिटल में भर्ती पाए। 2 घंटा बाद डॉक्टर रेफर कर दी के ले जाओ, तो हम कहें सपना दूर पड़ी, हमका नज़दीकी रीवा है। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण तो पुरानी रही होगी सर, पुरानी। मृतक का क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? सुखलाल दहिया नाम। कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। कहाँ की घटना है ये? शाहपुरा। थाना कौन सा लगता है? रामनगर थाना, जिला सतना लगता है जी सर। तो आरोपी फरार है अभी? आरोपी अपने पत्नी को डिलीवरी पीरियड में इधर रखा है, लेबर रूम में रीवा में रखा है। उसको जानकारी हुई कि एक पुलिस हमारे पीछे है, चकमा देकर भाग गया। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी विपिन दहिया, वो भी वहीं के रहने वाले जी, घर के बगल में सामने। आपको क्या नाम है? हमारा सुरेश दहिया। ठीक।